अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। नाउ वी विल स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ओपन पेज नंबर 34, एक्सरसाइज 2.4। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 की थी, आज हम 2.4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। ओपन पेज नंबर 33, ये देखें, ये आपको जो बार नज़र आ रही है, सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में ये बार होगी, इसको बार बोलते हैं, ये आपने सोल्व करनी है। सेकंड पे आपने ये ब्रैकेट सोल्व करनी है, इसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। थर्ड पे आपने ये सोल्व करनी है, इसको मीडियम ब्रैकेट बोलते हैं। और लास्ट पे आपने लार्ज ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सिम्प्लीफाई द फॉलोइंग। हमने सिम्प्लीफाई करना है। 1 1/24 डिवाइडेड बाय 1 1/4 प्लस मल्टीप्लाई 1 1/10 प्लस 1 2/5 माइनस 1 1/4। अब हमने यहाँ पे बार नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करनी है। सबसे पहले आप ये 1 1/24 डिवाइडेड बाय मीडियम ब्रैकेट 1 1/4 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ब्रैकेट। अब 10 1s are 10 और 1 11/10 प्लस 5 1s are 5 और 2 7/5 माइनस 4 1s are 4 और 1 5/4। ब्रैकेट क्लोज करनी है आपने, बाकी आपने एज इट इज़ लिखना है। अब आपने ब्रैकेट ये वाली सोल्व करनी है। अब 10 और 5 का एलसीएम लेंगे हम, तो हमारा आएगा 2 5s are 10, 10 हमारा एलसीएम आएगा। अब 10 1s are 10 होता है तो 11 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10 होता है, 7 को 2 से करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये प्लस वाला हिस्सा सोल्व करना है, ये जो माइनस वाला है ये एज इट इज़ रहेगा। अब आपने 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 11 प्लस 7 2s are 14/10 माइनस 5/4, बाकी आपने एज इट इज़ लिखना है। अब 11 में 14 ऐड करेंगे, 25/10 माइनस 5/4। अब आपने 10 और 4 का एलसीएम लेना है, 10 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 2s are 10, 10 2s are 20। अब 10 2s are 20 होता है तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5s are 20, 5 को 5 से करेंगे, 25 2s are 50 माइनस 5 5s are 25/20। अब 25/24 डिवाइडेड बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 50 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25/20। अब आपने 5 1s are 5 और 5 4s are 20 कटिंग की है। अब 5 1s are 25, 4 4s are 16। अब ये वाली ब्रैकेट भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब हमने लार्ज ब्रैकेट सोल्व करनी है। अब देखें, 25/24 डिवाइडेड बाय 25/16, इनके दरमियान में डिवीजन का साइन है, आपने इसको चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन लिखना है। जब हम मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे तो वैल्यू हमारी उलट जाएगी, 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आएगा। अब आपने कटिंग करनी है, 25 1s are 25, 25 1s are 25, 8 3s are 24, 8 2s are 16। अब आपने 2 1s are 2 और 3 1s are 3, ये हमारा आंसर है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है इसका, 8/9 प्लस 5/3 प्लस 4/39 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब आपने स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करनी है, 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब यहाँ पे 1 1s are 1 और 3 2s are 1, 1s are 1, 3 1s are 1। अब आपने बाकी एज इट इज़ लिखना है। अब देखें, यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम लेना है आपने, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 आ जाएगा, 4 3s are 12 होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4s are 12 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी एज इट इज़ लिखना है आपने, 3 3s are 9 प्लस 4 1s are 4/12। अब आपने 8/9 प्लस 5/3 प्लस 4/39 मल्टीप्लाई 9 में 4 ऐड करेंगे, 13/12। अब 4 1s are 4, 4 3s are 12, 13 1s are 13, 13 3s are 39। अब 1 1s are 1, 3 3s are 9। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, मीडियम ब्रैकेट। अब आपने 3 और 9 का आपने एलसीएम लेना है तो हमारा आंसर आएगा 9। आपने क्या करना है, 3 3s are 9 होता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 1s are 9 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5s are 15 प्लस 1 1s are 1 ओवर 9,
एट बाई नाइन प्लस 15 और 116 बाई नाइन। अब आपने 8 बाई नाइन प्लस 16 बाई नाइन, नाइन और नाइन का एलसीएम लेंगे, नाइन ही आएगा, एट में आपने 16 ऐड करनी है, 16 प्लस 8 24 ओवर नाइन। अब आपने कटिंग करनी है, 3 3 ज़ा नाइन, 3 8 ज़ा 24, 8 बाई थ्री आ जाएगा, 8 आपने अंदर रखना है, 3 बाय 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए, 2 साइड पे आ जाएगा, 3 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 बाई थ्री हमारा आंसर है। इसका पार्ट 3 और 4 आपने होमवर्क में करना है और नेक्स्ट डे मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।